लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। पेट्रोलियम उत्पाद GST के दायरे में बस तारीखों की घोषणा बाद नई दिल्ली उत्तम हिंदू न्यूज। केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद को बताया कि पेट्रोलियम उत्पादों को संवैधानिक रूप से वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में शामिल कर लिया गया है, मगर डीजल और पेट्रोल पर GST की दरें कब से लागू होंगी इस पर फैसला GST परिषद लेगी। GST परिषद में सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं। राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 279(5) में कहा गया है कि GST परिषद पेट्रोलियम क्रूड डीजल मोटर स्पिरिट प्राकृतिक गैस और विमान तेल ATF पर GST लागू करने की तिथि की सिफारिश करेगी। उन्होंने कहा, इस प्रकार पेट्रोलियम उत्पादों को संवैधानिक रूप से GST के तहत लाया गया है, लेकिन उन पर GST लगाने की तिथि GST परिषद के फैसले के आधार पर तय होगी। GST परिषद में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्तीय कराधान प्रभारी मंत्री शामिल हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही वृद्धि के मसले पर प्रधान ने कहा कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों का निर्धारण क्रमशः 26 जून 2010 और 19 अक्टूबर 2014 से बाजार के हवाले कर दिया है। उन्होंने कहा, तब से तेल विपणन कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादों की कीमतों के अनुसार पेट्रोल और डीजल की कीमतों के निर्धारण पर समुचित फैसले लेती हैं। मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी है, जो कि 4 अक्टूबर 2017 से लागू है। केंद्र सरकार ने राज्यों की सरकारों से भी उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के मद्देनजर पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती करने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती की गई है।